बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अंबानी अडानी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे जिसको जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी ले जाने के लिए इन दिनों तैयार हो दिखाई दे रही है, जिसके चलते कांग्रेस ने तय किया है 13 मार्च को भोपाल में राजभवन का घेराव करेगी, जिसके लिए जेपी अग्रवाल जो कांग्रेस के संगठन प्रभारी प्रदेश के हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ सहित कांग्रेस के प्रदेश भर के तमाम बड़े नेता, कार्यकर्ता, शहर जिला अध्यक्ष मंडल, छोटे छोटे कार्यकर्ता को भोपाल आने के लिए कहा गया है। इस बारे में पत्रकार वार्ता करके जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया। मुख्यतः आज का ये पत्रकार वार्ता बुलाने का विषय ये है कि कांग्रेस कमेटी द्वारा 13 मार्च 2023 को राजभवन का घेराव विशाल मार्च निकाली जा रही है भोपाल में, ठीक है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश के व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं को लेकर आगामी 13 मार्च 2023 को राजधानी भोपाल में राजभवन का घेराव विशाल मार्च का आयोजन करेगी। घेराव कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रभारी महासचिव श्री जेपी अग्रवाल सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, कांग्रेस पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कांग्रेसजन उपस्थित रहेंगे। हम सभी कांग्रेस जनों कांग्रेस नेताओं का ये मानना है कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी के पक्ष में अपनाई गई क्रॉनिक कैपिटलिज्म की जो नीति है, उसकी वजह से आर्थिक संकट, गरीबी और मध्यम वर्ग के करोड़ों भारतीयों की बचत जोखिम में तब्दील हो गई है। देश में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई, प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी, तनावग्रस्त किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिलाओं पर हो रहे निरंतर व उत्तरोक्त अत्याचार, सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी निर्मम हत्याओं, ध्वस्त कानून व्यवस्था, लूट, डकैती, भाजपा सरकार की सभी नीतियों के कारण आम जन परेशान हो गया है। भाजपा और संघ विचारधारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और उनकी छवि को धूमिल करने पर आमादा है। लिहाजा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश व उक्त घेराव विशाल मार्च आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के उक्त आयोजन में समस्त जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों, सभी जिला शहर कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष से कहा गया है कि वो अपने अपने जिला के सभी साथियों, विशेष रूप से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंडलम और सेक्टर कांग्रेस अध्यक्षों, मोर्चा संगठनों, विभागों, प्रकोष्ठ स्थानीय और स्थानों संस्थाओं में के जनप्रतिनिधियों सहित सभी कांग्रेस जन को राजभवन घेराव विशाल मार्च कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उनको अनिवार्य रूप से वहां उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। आर्थिक तंगी देश के अंदर आने वाली है और वो समस्या अडानी पे मेहरबानी जो हमारी सरकार, देश की सरकार है, मोदी सरकार है, वो जो मेहरबानी कर रही है जिससे मध्यम वर्ग, जो देश का सबसे बड़ा तबका है मध्यम वर्ग, जो उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें लोड आने वाली है। और जिस तरह से आपका LIC और बैंकों में जो जिस तरह से उन्होंने लोन लिए हैं गलत ढंग से, जो विदेशों में उन्होंने अपने फॉर्म बनाया और उसको दिखा के उसके शेयर वगैरह बढ़ा के और बैंकों से जो पैसा उन्होंने उठाया और जिस तरह से शेयर उनके डाउन हुए, तो निश्चित रूप से देश की जो हमारे अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा कुठाराघात होने वाला है और ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर आएगा। तो ये समस्या तो यही है। दूसरी हमारे यहाँ बेरोजगारी जो चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर है और जिस तरह से अत्याचार इस समय बढ़ा हुआ है महिलाओं पर, आप देख रहे हैं लगातार, आप छोटी बच्चियों से लेके और 90 साल 80 साल के बूढ़ों तक को जिस तरह से अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है वो आप सब लोगों के माध्यम से सब लोग जानते हैं। संगठन का जो काम है, हाथ जोड़ो भैया,
वो मैं जो भाजपा की नाकामी है उसको बताने के लिए, बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, जो जितनी भी समस्याएं हैं, संगठन के लोग घर घर जाके यही चीज़ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसी के हिसाब से पूरा काम चल रहा है संगठन का। और जो संगठन में कुछ रुकावटें थी उसको दूर किया जा रहा है, नए नए लोग जोड़े जा रहे हैं, बहुत सारे लोग नए लोग जुड़ रहे हैं। और सरकार तो हमारी कांग्रेस की ऑलरेडी बनी हुई थी, सरकार तो गिराई गई, और इस बार हमारी सरकार 150 सीट से ऊपर लेके आएगी और सरकार फिर से बनाएगी।